हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग बड। आज हम लोग जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। जैसलमेर के आउटर में ही जब हम लोग पहुंचने वाले थे तो वहां से पहले ही ये म्यूजियम मिला था हम लोगों को, जो जिसका नाम है जैसलमेर वॉर म्यूजियम। यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ यहाँ पर सारी तरह की इन्फॉर्मेशन थी। तो जो थोड़ी सी क्लिप्स मैं कैप्चर कर सकी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है अंडरग्राउंड सुरंग का डेमो कि कैसे इंडियन सोल्जर्स सुरंग बनाते हैं। यहाँ पे बस इतना ही, फिर हम लोग यहाँ से निकल के लंच लिए। अब हम लोग पहुँच गए हैं जैसलमेर के मेन एरिया में, जहाँ पे टेंट पे हम लोगों को रहना था, वन नाइट स्टे था। तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम लोगों को पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए हम लोग पहले टेंट पे नहीं गए। हम लोग यहीं से डेजर्ट सफारी के लिए निकल गए थे। तो हम लोगों ने कैमल पे राइड नहीं किया था, हम लोगों ने जीप की थी, उसमें हम लोगों ने एंजॉय किया डेजर्ट सफारी का। Hi friends. हम लोग तैयार हैं डेजर्ट सफारी के लिए, है ना? हम लोग ने, आप देख सकते हो, बाल बांध लिए पूरा। मुझे भी दिखाओ। बाल बांध दिए। ओ मेरा भांगी रुकी है, लेट्स गो, पकड़ लो भाई, मैं स्नैप लूंगी। चलिए हम लोग के साथ आप लोग भी डेजर्ट सफारी करिए। यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग भी की, डिंपल, मैं और रानो दी जो हम लोग के साथ थी, नेहल, उन्होंने। ये मामा भी यहाँ पे तैयार हो रही है। दीदी एंजॉय। अब मेरी प्यारी मामा भी जा रही है। और यहाँ पे मामा का वो हाइड्रोगैसिफ हो रहा है। गाइस इट वाज सुपर फन, बट बहुत मजा आई। मैं की ना, बहुत मजा आई। अभी देखते हैं मेरी प्यारी मामा क्या करती है। Oh no! Oh no! अभी ये ट्रैक्टर है ना, ये जीप। हाँ जीप, इसमें जाएगा और मामा को खींचते जाएगा, मामा ऊपर चली जाएगी। और देखिए व्यू तो सुंदर है। ओह पता चला मामा ही चली गई है। ओह मामा, जय बाबा की। पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम लोग टेंट में आ गए थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने कैमल राइड लेके सनसेट देखने गए। हम लोग सनसेट देखने के बाद फिर हम लोगों को जो कैंप टेंट में रूम मिला था उसमें हम लोग गए। अब यहाँ का जो रूम टूर है वो आपको परी दे रही है। चलिए लेते हैं रूम टूर। ये है हम लोगों का जैसलमेर का रिसोर्ट। हम लोगों को सनसेट देख के हम लोग आए हैं अभी, और जो हम लोगों को रूम मिला है वो परिधि आपको इंट्रोड्यूस कराएगी, है ना परिधि? घड़ी खम्मा यहाँ आके लाइट में कमरा। ये है यहाँ का जो हम लोग को कैंट का, और बाकी का दिन का व्यू, बाहर का व्यू दिन में दिखाएंगे। यहाँ घुसते ही यहाँ पे ये एक
टेबल, दो चेयर, वहाँ डिम्पल बैठी है और यहाँ परी बैठी है। ऐसे है, थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं लोग, फिर हम लोग हाथ फ्रेश होंगे। सच में ये घुसते ही हम लोगों ने अपने लगेज यहाँ थोड़े से अनपैक हो चुके हैं सामान। एक सेकंड भी कमरे को सीधा नहीं रखेंगे, हम लोग खराब ही कर देंगे। यहाँ घुसते ही लेफ्ट साइड में लैंप है, बेड है, जो मैं करूंगी चमटा। हाँ पहले पहले ओके। यहाँ एसी भी है, अगर किसी को यूज करना है तो इधर एसी है। यहाँ पे टेबल जहाँ पे इन्होंने टी कॉफी प्रोवाइड की है, सब चीज जैसे सब होटलों में होता है। यहाँ पे हीटर, ग्लास है जो अभी हम लोगों ने यूज नहीं किया, और बहुत ज्यादा अगर कोई ठंड उंड लगे तो यहाँ पे हीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्रिज में भी कुछ है। कहाँ है पानी? ओ निकाल लो पानी का बॉटल। कहाँ, यहाँ पे ठंड गर्मी ज्यादा नहीं लग रही, बाहर रखो, बाहर रखो। चलो इसको बंद कर दो। बस यहाँ एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं है। यहाँ नीचे भी एक कबर्ड है। क्योंकि यहाँ अंधेरा हो चुका है इसलिए। और फ्रेंड्स ऊपर में ये लैंटर्न है जो झूमर का पोजीशन में लगाया है, और इसके नीचे करेंगे हम लोग घूमर। परीदी करेगी, तू करती रह। बस यहाँ पे इसको खोलो, तो ये खोलो यहाँ से। आधा लोगों ने खोल दिया है। ये एक एंट्री है, मतलब कि बेडरूम यहाँ पे, ये डोर बेडरूम और ये एंट्री ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे आते ही एक बड़ा सा लैंप दिया हुआ है, ये बड़ा सा खोलो। हम खोल के रखे थे, ब्लैक ब्लैक है इसलिए और ज्यादा खाली। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे भी एक ऐसे बेंच दी हुई है, कोई यूज करना चाहे। हो गया। और ये है यहाँ पे हेयर ड्रायर प्रोवाइड की जाती है, आप अपने आप को निहार। और इसमें हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है, प्लग पॉइंट है जहाँ पर मैंने अभी अपना फोन लगाया था, क्योंकि मेरा फोन एकदम बंद हो गया था, इसीलिए मैंने ज्यादा सूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे ऐसी दो ड्रॉर दिए, यहाँ पे भी है, एक ये भी है। और है ये वॉश एरिया, बाथरूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे टॉयलेट्रीज रखी है, सारी टॉयलेट्रीज हैं, सोप, कॉम्ब, डेंटल की ब्रश है, सीट है, टॉयलेट बाल्टी मग अगर कोई को यूज करना है, सावर भी दिया हुआ है, बाथ टॉवल भी है, एक स्मॉल टॉवल भी है, बाथरूम नहीं है खाली यहाँ पे, बस इतना है। चीज अच्छी है, नो डाउट, बहुत सुंदर चीज है। इसका क्या नाम था उसका? डेजर्ट स्प्रिंग, फोर स्टार है ये, बहुत अच्छा है। फाइव स्टार नहीं, फोर स्टार है ना। बैकग्राउंड में देखिए म्यूजिक शुरू हो चुका है, हम लोगों को जल्दी से फ्रेश होना है, जाना है। हम लोगों को बस फ्रेश होना है, फिर हम लोगों को जाना है, क्योंकि हम लोग की लाइव परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोगों को करना है। तो हम लोग अभी डेजर्ट सफारी करके आए हैं और सनसेट देख के आए, जो एकदम थक गए हैं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। कैमल राइड से सनसेट देखने गए थे। पीछे से देखिए ड्रम की आवाज शुरू हो चुकी है, क्योंकि लाइव म्यूजिक है जो हम लोगों के लिए, मतलब जो भी यहाँ पे गेस्ट हैं सबके लिए है। उसके साथ पे डिनर प्रोवाइड, सिंगर्स भी हैं, तो हम लोग उसको भी शूट करेंगे। जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और फोन को पहले चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं, सिर्फ फोन 4% चार्ज है। जल्दी से चार्ज करके फिर मिलते हैं। मैं आपको बता, आपको थोड़ा सा छोटा सा रूम का टूर दे देती हूँ, मतलब कुछ देर खुला ही होनी मेरे साथ। सिंपल यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी, और इधर साइड में क्योंकि बेडरूम में बेड जो था वो डबल बेड था, तो इन लोगों ने एक बेड एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया था, तो लोग वही रूम में बेड लगाने के लिए आए हैं, एक्स्ट्रा बेड। YouTube में हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग का भी डाल देंगे वीडियो में। मेरा चैनल है YouTube में,
तो उसमें द ब्लूमिंग बर्ड, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग का भी सब कुछ आएगा उसमें, आप लोग जो जो काम कर रहे हो सब। आप यूट्यूब खोलिए अभी बता देते, उसमें सब आएगा। जैसलमेर में जो हम लोग अभी राइडिंग वाइडिंग में गए ना, सब आता है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, जो मेरा चैनल है हम उसमें डालेंगे। क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी, के जाम पे जाम पीने। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था बहुत ही अच्छा था, राजस्थानी कल्चर को इन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरती से दर्शाया था। और यहाँ पे मतलब सब गेस्ट को भी लोग लेके जा रहे थे, डिम्पल और नेहल दे तो स्टेज पे चढ़ ही गए थे, हम लोगों ने भी काफ़ी डांस किया। ये प्रोग्राम रात के 10 या 10:30 तक चला था, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, साथ में यहाँ डिनर भी था, सब लोगों ने डिनर लिया, हम लोगों ने सब लोगों ने इतना हम लोग थक गए थे, फिर भी जब मतलब इस म्यूज़िक को, इस प्रोग्राम को देख के सब में जान आ गई, ऐसे लग रहा था सब एकदम तरोताज़ा हो गए, खूब इन्जॉय किया। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब कुछ भी अगर इस वीडियो में अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।